Dear students, today in the class of web technology, we were studying about the introduction to .NET framework. हम .NET framework के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था common language runtime और CLI जो होता है common language infrastructure, जो काम आता है जब हम program .NET के execute करते हैं तो उस platform को ये provide कराता है. तो इसके जो कुछ की फीचर्स थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. CLR के कुछ की फीचर्स हैं. पहला था एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो मैंने बताया था कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं. एक्सेप्शंस का मतलब होता है एरर्स, जो भी एरर हमारे एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के टाइम में आ रहे हैं वो एक्सेप्शन कहलाएंगे. एग्जाम्पल कुछ बताया था मैंने आपको. और फिर गार्बेज कलेक्शन के बारे में बात की थी. गार्बेज कलेक्शन का मतलब है कि जो भी रिसोर्स अनवांटेड है, जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम रिमूव कर दें. इस प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं. इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे दो. अब हम बात करेंगे वर्किंग विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जो है थर्ड की फीचर है CLR का, यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का थर्ड फीचर है वर्किंग विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो ए डेवलपर कैन एन एप्लीकेशन इन ए वैरायटी ऑफ .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो डेवलपर होता है उसके पास एप्लीकेशंस होती हैं वैरायटी ऑफ .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एप्लीकेशंस होती हैं डेवलपर के पास. तो जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें लैंग्वेज का मतलब है द फर्स्ट लेवल इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्सेल्फ. तो जो CLR है या वर्किंग विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला लेवल जो है, या CLR का जो पहला लेवल है वो है लैंग्वेजेस, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद एक पहला लैंग्वेज पहला लेवल है. द मोस्ट कॉमन वन आर विजुअल बेसिक .NET एंड C#. और उसमें से जो कॉमन हैं वो हैं विजुअल बेसिक .NET, VB.NET एंड C#. ठीक है, ये इस टाइप की लैंग्वेजेस हमारा .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. अब बात करते हैं कंपाइलर. कंपाइलर तो हर आपने सुना ही होगा शब्द, सी में, C++ एंड विजुअल बेसिक में. तो उसी तरीके से यहाँ भी कंपाइलर होता है. देयर इज ए कंपाइलर, यहाँ कंपाइलर है विच विल सेपरेट फॉर ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग होता है. जो .NET फ्रेमवर्क है वो तो VB.NET, ASP.NET, C#, कई लैंग्वेज के फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कराता है, एप्लीकेशंस को क्रिएट करता है. तो सबके लिए जो कंपाइलर है वो डिफरेंट है, सेपरेट है. सो अंडरलाइंग द VB.NET लैंग्वेज, अगर हम VB.NET लैंग्वेज को अंडरलाइन करें, देयर विल बी ए सेपरेट VB.NET कंपाइलर, तब VB.NET के लिए भी अलग कंपाइलर होता है. सिमिलरली फॉर C#, यू विल हैव अनदर कंपाइलर. इसी तरीके से C# हो, ASP.NET हो, सबके लिए एक सेपरेट कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अब कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर की बात करते हैं. ठीक है, इंटरप्रेटर का मतलब है कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर. दिस इज द फाइनल लेयर इन .NET. .NET फ्रेमवर्क में ये फाइनल लेयर होती है विच वुड बी यूज टू रन ए .NET प्रोग्राम, जो कि .NET के प्रोग्राम को रन कराने का काम करती है. फाइनल लेयर है ये. डेवलप्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में .NET की बना हो, उसे रन कराने के लिए कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, जो कि एक फाइनल लेयर है .NET फ्रेमवर्क की. सो द सब्सिक्वेंट कंपाइलर विल स्पेंड द प्रोग्राम टू द CLI लेयर टू रन द .NET एप्लीकेशन. तो जो सब्सिक्वेंट प्रोग्राम है, यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर हैं वो क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को जो इंटरप्रेटर है या कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है उसके लिए सेंड करेंगे, और फिर .NET एप्लीकेशन पर वो प्रोग्राम रन होगा. ठीक है, इसके जो लेवल हैं वो देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है. 3 लेवल्स हैं इसके. पहला लेवल VB.NET, C#, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो है वो पहला लेवल है. ये कह सकते हैं हम जो लैंग्वेजेज है वो क्या है, फर्स्ट लेवल है. सेकंड लेवल क्या है, VB.NET कंपाइलर एंड C# कंपाइलर. जो कंपाइलर है वो सेकंड लेवल है,
एंड थर्ड लेवल इज इंटरप्रेटर। तो जो थर्ड लेवल है वो इंटरप्रेटर। तो हम कह सकते हैं जो CLR है उसके तीन हमारे लेवल्स हैं, लैंग्वेज कंपाइलर है, इंटरप्रेटर यानी कि लैंग्वेज पर हम कोडिंग करेंगे, एप्लीकेशन तैयार करेंगे, कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाएगा और इंटरप्रेटर के द्वारा रन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो लैंग्वेज है वो हमारी फर्स्ट लेयर है और इंटरप्रेटर हमारी लास्ट लेयर है और कंपाइलर हमारी सेकेंड लेयर है। अब हमारे जो सेकेंड की कंपोनेंट है वो है, ये तो जो कंपोनेंट था वो था CLR। अब सेकेंड कंपोनेंट है वो है क्लास लाइब्रेरी है। द डॉट नेट फ्रेमवर्क इंक्लूड्स ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज या स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज। तो जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, इंक्लूड करती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसमें एक अपनी लाइब्रेरी होती है जिसे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी कहते हैं। एक क्लास लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स। जो क्लास लाइब्रेरी है वो मेथड्स का कलेक्शन होता है एंड फंक्शंस और फंक्शंस का कलेक्शन होता है। कैन बी यूज्ड फॉर द कोर पर्पज, जो कि कोर पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो क्लास लाइब्रेरी है वो मेथड्स और फंक्शन का कलेक्शन होता है जिसे जो डेवलपर है वो कोर पर्पज के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए क्लास लाइब्रेरी विद मेथड्स टू हैंडल ऑल फाइल। एक क्लास लाइब्रेरी है और उसका एक मेथड है जो कि ऑल फाइल्स को हैंडल कर रहा है, लेवल ऑपरेशंस और ऑल फाइल लेवल ऑपरेशंस जो है उन्हें हैंडल करता है। सो देयर इज ए मेथड विच कैन बी यूज्ड टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम ए फाइल। सिमिलरली देयर इज ए मेथड टू राइट टेक्स्ट टू ए फाइल। तो जब मान लीजिए कोई क्लास लाइब्रेरी एक मेथड है, क्लास लाइब्रेरी से एक मेथड लिया गया है या तो और वो किसी फाइल के सारे लेवल के ऑपरेशंस को हैंडल करता है, तो इसलिए जो मेथड है वो विच कैन बी यूज्ड टू रीड, मेथड क्या होगा फाइल के को रीड का टेक्स्ट को रीड करने का काम करेगा वो मेथड और राइट करने का भी काम करेगा, ठीक है। तो ये क्लास लाइब्रेरी की बात थी। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो दोज एप्लीकेशन दैट कैन बी बिल्ट इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, वो एप्लीकेशन जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में बिल्ट होती हैं इज क्लासीफाइड ब्रॉडली इन टू द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में बनाई जाती हैं वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिफाइन की गई हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है WinForms, ठीक है। दिस इज़ यूज फॉर डेवलपिंग फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। WinForms इसलिए यूज होती है कि हम डॉट नेट की हेल्प से फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, विच वुड रन ऑन एन एंड यूजर मशीन, जो कि एक एंड यूजर मशीन पर रन की जाती है, ठीक है। WinForms क्या है, एक फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन है जो एंड यूजर की मशीन पर रन की जाती है। नोटपैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन। नोटपैड जो है वो क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज का पहली कैटेगरी थी वो है WinForms। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है ASP.NET। दिस इज यूज फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ASP.NET जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने का काम आती है, ठीक है। विच आर मेड टू रन ऑन एनी ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स, ठीक है। यानी कि ASP.NET से जो भी हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं उन्हें हम डिफरेंट ब्राउजर्स पर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, उन पर रन करा सकते हैं।
तो जो ASP.NET है वो वेब पेजेस या वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज की जाती है। ठीक है, द वेब बेस्ड एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड ऑन ए सर्वर। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो एक सर्वर के द्वारा प्रोसेस की जाती हैं, विच वुड हैव इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस इंस्टॉल, जिसमें एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस इंस्टॉल होती है। ऐसे सर्वर के द्वारा ये प्रोसेस्ड की जाते हैं, यानी कि जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो जो हमारा सर्वर है उसमें इंटरनेट का एक्सेस होना ज़रूरी है। ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन तभी हम क्या कर पाएंगे, उसे प्रोसेस कर पाएंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और IIS इज ए माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसे हम शॉर्ट में IIS कहते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के कंपोनेंट हैं, विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ऑन ASP.NET एप्लीकेशन, जो कि एग्जीक्यूट होते हैं किस पर, ASP.NET के एप्लीकेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इज देन सेंड टू द क्लाइंट मशीन, और जब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो एग्जीक्यूशन का, उसे क्लाइंट मशीन पर सेंड किया जाता है, एंड द आउटपुट इज शोन इन द ब्राउजर, और जो आउटपुट है वो ब्राउजर पर शो होता है। ठीक है, जैसे कि हमने HTML में बात की थी। ठीक है, अगर हम नोटपैड पर उसे क्रिएट कर लेते हैं, जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसे एक्सेस करके हम उसे ब्राउजर पर शो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो है ADO.NET। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप की गई है जिससे कि जो एप्लीकेशन हैं या जो एप्लीकेशन डेवलप की जाती हैं वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें, सच एज ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। जैसे कि ADO.NET की जो एप्लीकेशंस हैं, ओरेकल हो गई, SQL हो गई, सर्वर हो गया, जिससे कि हम जो भी डेवलप एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं उन्हें डेटाबेस से कनेक्टिविटी मिल सके या इंटरेक्शन मिल सके। तो जो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल इसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।